खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कोशिशें तो पता नहीं क्या की जा रही है, लेकिन जो पिस रही है वो आम जनता है। सीधे साकेत कोर्ट के गेट नंबर 3 की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां से आम वर्किंग डेज पर लोग जो है वो अंदर जाते हैं अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए। और गेट पर आप देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक जो है परेशान खड़ी है, अंदर जाने की कोशिश करी, लेकिन अंदर से वकीलों ने साफ मना कर दिया है कि आज आप वापस चले जाएं। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर दी गई कि आपके मुकदमे जो पेंडिंग है वो हम देख लेंगे, कैसे देख लेंगे नहीं पता। लोग हमारे साथ एक शख्स है जो 3 दिन से लगातार बुलंदशहर से सुबह आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये बताइए, आप बुलंदशहर से रोज 3 दिन से आ रहे हैं, आपके वकील क्या बोलकर आपको बुलाते हैं? वकील कहते हैं कि कल आ जाना, कल करा दूंगा, आज करा दूंगा। अब मैं भी कल रात को मैंने फोन करा तो उन्होंने मुझे सुबह 10 बजे बुलाया कि मैं मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दूंगा, जिसमें मेरे 14 तारीख के वारंट निकाल देगा। अगर आज मेरी तारीख नहीं लगी तो जज साहब मेरे वारंट निकाल देंगे, पर ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ये तकलीफ आप देखिए, मतलब अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो इन्हीं के अगेंस्ट एक्शन भी हो जाएगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ मैडम। मुजफ्फरनगर से आई हैं? आज पेशी थी आपके मुकदमे? आज मेरी पेशी थी और अंदर जाने नहीं दिया, ठीक है। और क्या नाम है, बोले कि भाई हम तो आए थे भाई अंदर पेश हो जाएंगे, अंदर हमें पेश नहीं होने दिया। इधर से उधर से भी गेट बंद कर लिया और जबरदस्ती इतनी करी कि अंदर कोई नहीं आएगा, इसलिए बोला उन्होंने। तो हम बारी खड़े हैं, हम 7 बजे के आए हैं, रात को चले थे वहाँ से। जाएगा आप लोग जाइए, ये लोग सीधा वकील ये बोल रहे हैं कि आपको डेट मिल जाएगा, आप लोग जाइए, हमारी परेशानी, हमारा टाइम, हमारा खर्चा ये लोग नहीं देख रहे। अच्छा, झगड़ा तो सर पुलिस और वकील का है, पिस कौन रहा है इसमें? जी जी, पिस रहे पब्लिक, पब्लिक परेशान है। वकील सीधा हमको समझा रहे हैं कि आपको डेट मिल जाएगा। डेट तो मिल जाएगा मैम, सबको पता है डेट मिल जाएगा, मगर खर्चा कौन है? जो हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो सुबह से परेशान हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़ के हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमको सबको दिलासा दिया जा रहा है कि आप लोग चले जाइए, आप लोग जो मेरा साथ दिए हो इसके लिए थैंक यू। जो आप कहाँ से आई है मैडम? दक्षिणपुरी से। तो आपका भी डेट था? हाँ जी, आज की मेरी भी पेशी थी, लेकिन मैंने अपने लॉयर से पूछा, वो बोल रहे अगली डेट मिल जाएगी। मैडम हमेशा का यही काम है, कोई पेपर अंदर लगाकर नहीं दिया जाता और सब झूठ बोलते हैं, ये वकील बहुत झूठे हैं। ये महिला जो अभी गेट पर लड़ रही थी, आप अंदर लड़ाई कर रही थी कि अंदर जाने दी? हाँ जी, बहुत लड़ाई, सवेरे से 7 बजे से हम लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। ये मेरी बेटी है, इसका केस 3 साल से चल रहा है, आज इसकी डेट थी, इसको नहीं जाने दिया अंदर, परेशान कर रखा है इन्होंने। और ये पक्के चोर होते हैं, ये वकील अच्छे नहीं होते, ये हमारे कपड़े हर डेट पर फीस लेते हैं, ये लोग कोई काम नहीं करते। अगर जज साहब ना सुने तो ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग वकील लोग। जनता की मुसीबत आप देख रहे हो। दरअसल यहाँ पर गेट पर अमूमन पुलिस भी रहती है, आपको दिखाएं कि आज यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है, जो प्राइवेट गार्ड्स हैं वो कुछ एक आपको दिख जाएंगे, अंदर वकील आपको दिख जाएंगे। लेकिन इसके साथ जो परेशानी है वो समझने की कोशिश करिए कि लोग दूर दूर से आते हैं जिनकी पेशी होनी है, वकील उन्हें बुला भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो डेट है वो आखिर उनकी तो आगे निकल जाएगी, और जिसका कोई ऐसा मुकदमा है जो जिसपे कोई वारंट आ सकता है, सबसे ज्यादा परेशानी तो उन लोगों के लिए कि अगर पेशी नहीं हुई तो वो क्या करेंगे। पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, वकील अंदर बैठे हैं हड़ताल करके, पिस रही है आम पब्लिक यहाँ पर। अब तमाम वो सवाल है जो जनता उठा रही है कि आखिर हमारा क्या कसूर है, गेट पर भी अपने आप ही लड़ाई कर रही है, खुद ही मोर्चा संभाल रही है, इनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं है। तो तमाम ये सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह से, कब तक ये गतिरोध जारी रहेगा। कम से कम आम जनता का काम तो आगे बढ़ाया जाए, जो आप इंक्वायरी चल रही है वो करा जाएगा, उसमें सामने जो भी फैसला है वो निकल कर आएगा।